नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हिर्ष तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका हूं बहुत ही शानदार आज के सेशन को लेकर तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस बहुत ही शानदार प्यारी सी एस की क्लास में जिसका नाम है कैच साइंस क्योंकि रोज रात के दस बजे साथियों आप यहाँ पे साइंस को पकड़ने के लिए आते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो साइंस के बहुत सारे कंसेप्ट को समझते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पे पकड़ भी पाते हैं देखिए इससे पहले मैं बताऊं आपको कि हो सकता है साइंस हमारे लिए बहुत डरावनी चीज रहती हो लेकिन मैं पहले क्लिक कर दू कि ये जो सेशन साथियों आपके लिए इस परिवार पे जो लाया गया है ना ये सेशन आपके साइंस के डर को खत्म कर देगा मैं गारंटी से बोल सकता हूं साथियों कि आने वाला जो एग्जाम है हमारा इस एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो हमारे उन सभी एग्जामिनेशन में आपका ये जो डर है साइंस का मैं आपका बड़ा भाई खत्म करवा दूंगा गारंटी है मेरी आपको इतनी पढ़ाने इतनी साइंस साइंस पढ़ाने पढ़ाने वाला वाला हूं हूं कि आप दूसरों को पढ़ा दोगे ये भी मैं गारंटी से बोल सकता हूं चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की इस बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास को हाँ बेटा देखो तबियत मेरी ठीक है लेकिन आज मैं बहुत थका हुआ हूँ नो डाउट लेकिन क्लास में लूंगा बाकायदा आपको बता दू साथियों की आज आपके छोटे सर का मतलब मेरे बेटे का जन्मदिन भी है और साथ साथ में बताऊँ देखिए साथियों आज हम जब बात करते हैं तो आज आपका यहाँ पे सरस्वती दिवस भी है मतलब सरस्वती पूजन भी है बसंत पंचमी भी है तो माता सरस्वती की कृपा कृपा रहे आप सभी पर मतलब मैं ये प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती से कि मेरे सभी छोटे भाई बहनों पर साथियों यहाँ पे कृपा रहे और मेरे सभी छोटे भाई बहनों की जो नौकरी है जो जॉब है जिसका वो सपना देखते हैं दुन रात वो यहाँ पे पूरा हो जाए और 2024 का जो साल है साथियों वो मेरे छोटे भाई बहनों के संघर्षों का आखिरी साल बने तो मेरी माँ सरस्वती से बस यही प्रार्थना है कि मेरे छोटे भाई बहनों का ये जो साल है साथियों ये आखिरी साल रहे उनके संघर्षों का और अगले साल तक मेरे छोटे भाई बहनों के पास में एक सरकारी नौकरी हो या वो सब चीजें हैं जिसकी वो मनोकामना करते हैं जिसका वो सपना देखते हैं तो मैं हमेशा देखे साथ ही यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन जहां भी हो सिलेक्ट हो जाए और बढ़िया तरीके से हो जाए क्योंकि बताओ आप जब यहाँ पे आप जब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे ना तो आपका मेरा जो संबंध है आपका मेरा जो रिश्ता है वो हमेशा बना रहेगा क्योंकि जब मैं कभी भविष्य में टकराऊंगा आपसे मैं नहीं जानता भी आपको देखिए क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा ये जो ऑनलाइन की दुनिया है साथ ही ये वर्चुअल दुनिया है इसमें आप तो मुझे दिख पाते हैं कि मैं नहीं दिख पाता आप लोगों को बस मैं कमेंट के माध्यम से आपका नाम पढ़ पाता हूँ तो भविष्य में कभी होगा कि भविष्य में कभी ऐसा होगा साथियों कि मैं आपको टकराऊंगा आप बोलेंगे गुरु जी पहचाना मैंने नहीं बेटा भैया मैं पढ़ा करता था आपसे यूट्यूब पर मेरा सिलेक्शन हो गया वो जो मोमेंट होता ना साथियों वो बड़ा खुशी वाला मोमेंट होता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इसी तरह के हमारे जो संबंध है वो बने रहे और मेरी प्रार्थना है माता सरस्वती से और मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं साथियों और ये पूरा का पूरा परिवार चाहे मैं हूं चाहे साहिल सर हैं चाहे आकाश सर हैं बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे छोटे भाई बहनों का इस बार जल्दी से सिलेक्शन हो जाए तो साथियों करते हैं क्लास को शुरू और क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपनी बात पूरी करूंगा लेकिन आपको भी अपनी जो पॉइंट्स है वो पूरे पूरे करने हैं तो आपका पहला कर्तव्य यह है कि क्लास को जल्दी से यहां पे लाइक मारो फटाफट से तो पहले हम क्लास को लाइक मारेंगे क्लास को शेयर करवाएंगे और क्लास को लाइक और शेयर मारने के बाद साथियों क्लास की शुरुआत करेंगे बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है बहुत सारे कंसेप्ट है जो मिलने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की बहुत ही शानदार प्यारी सी क्लास को तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस आज होने वाला है क्वालिटी पर मैं जो क्वेश्चन

हमेशा कहता हूं दूसरी बात यह है या तुम लोग कॉमेंट नहीं करते हो मैं ये कहता हूं देखिए अपनी बात को बताओ ना मुझे मैं कैसे समझूंगा बेटा कोई परमात्मा तो हो नहीं कि आपकी जो बात है मैं समझ जाऊंगा मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी कुछ कहते हैं या जो भी कुछ चाहते हैं कि भैया ये करा दीजिए वो करा दीजिए इसमें दिक्कत आ रही है आप कमेंट के माध्यम से बताइए मैं गारंटी से बोल सकता हूं साथियों आपका बड़ा भाई उस पर वीडियो या क्लास लेके जरूर आएगा ठीक है चलो तो करते हैं साथियों क्लास को शुरू और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी जो आज की क्लास है वो शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है जो हमारा होने वाला ठीक है चलो हाँ, बेटा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए बेस्ट ऑफर आपके लिए एप्लीकेशन में चलने वाले हैं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में साथियों बेस्ट ऑफर्स आप, हैं जो आपको एप्लीकेशन पे चलेंगे तो आप एप्लीकेशन पर जाके डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली चलिए शुरू करते हैं कि क्लास को क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी को शुद्ध करने के लिए साथियों पानी को शुद्ध करने के लिए हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं जो फिटकरी होती है देखो फिटकरी मतलब एलम का इस्तेमाल करते हैं अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ देखिए छोटा सा पॉइंट सुनो एक्चुअल में देखा जाए तो पानी को शुद्ध करने के लिए बेसिकली यहाँ पे जिस गैस का

अब पोटाश एलम जो बनता है ना ये पोटेशियम और सल्फर दोनों को मिलाकर बनाया जाता है ये भी क्वेश्चन देखिए बन सकता है कैसे कैसे बनेगा भैया तो पोटेशियम और यहाँ पे हम जब है दोनों को मिलाकर बनेगा इसका फॉर्मुला क्या होता है देखिए देखिए इसके की हम जब बात करते हैं सुनो ध्यान से तो बेटा के ए एल देखो पोटेशियम और एल्यूमिनियम लॉजिकली है तो पोटेशियम एल्यूमिनियम का सल्फेट है पोटेशियम एल्यूमिनियम का सल्फेट है उसको मिलाकर यहाँ पे इसका फॉर्मेशन देखिए किया जाता है जिसके अंदर हमारे पास में कितना देखिए तो आंसर है ट्वेंटी फोर एस

समझो उसके बाद इसका आंसर देखो ध्यान से वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट ऑफ जी इन सीजीएस में पूछा भैया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बात की जा रही है अब हम सीजीएस की बात करते हैं तो सीजीएस होती क्या देखिए तो सीजीएस को बेटा सिंपल सी भाषा में देखिए बोलते हैं फ्रेंच पद्धति क्या बोलते हैं फ्रेंच पद्धति बोलते हैं तो ये फ्रेंच जो फ्रेंच मेजरमेंट की तरीका होता है

हम जब बात करते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बारे में ये कैपिटल जी होता है कैपिटल जी की वैल्यू भैया हमारी होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन माइनस के इलेवन सुनो ध्यान से ये माइनस इलेवन किस में होता है तो ये होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू और न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू को बेटा में क्या बोलते हैं है? si. है? si. लेकिन, 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 वैल्यू बदल जाएगी तो ये होने वाला है हमारा कितना सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन माइनस का एट कितना माइनस की एट है अब देखो न्यूटन की जगह पे बेटा आ जाएगा यहां पे डायन क्या पे डायन आ जाएगा यहां पे मीटर के जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पेजी की पे ग्राम का माउनस की टू लोजिकल, लोजिकल बोलो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यहाँ पर बी नहीं है ना सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या है डी है बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है गलती मत करना अब एक छोटी सी बात को और सुनो ध्यान से भैया ये बताओ कि इसकी वैल्यू किसने निकाली थी तो इसकी वैल्यू को देने वाले जो व्यक्ति हैं साथी उनका नाम है हेनरी कैवेंडिश कौन है हेनरी कैवेंडिश है ये बात भी जरा समझो और मैं एक बात और सुनो ध्यान से वैल्यू ऑफ कैपिटल जी देखो ध्यान से क्या वैल्यू ऑफ दी कैपिटल जी जो होता है वो कहीं पर नहीं बदलता इट इज तो यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब ब्रह्मांड में कहीं पे भी चले जाओ आपको जी की वैल्यू हमेशा एक ही मिलने वाली है डेट इज सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इन टू टू टेंट माइनस के अलावा न्यूटन मीटर स्क्र के जी माइनस टू किसमेंट पावर माइनस के एट क्या बोलते हैं सी जी एस क्या बोलते हैं क्या ये सा है, गलती मत करना तो बच्चे सी और डी में कंफ्यूज होते हैं तो गलती मत करना बेटा मैं वही बता रहा हूं कि आपकी छोटी छोटी चीजें बहुत गलती कर सकती है बहुत बड़ा मिस्टेक पैदा कर सकती है तो जो गलती करनी है यही पे कर दो अच्छा एक चीज बताओ मुझे छोटा सा पॉइंट है आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो रास्ते पर आपको ठोकर किससे लगती है बड़े बड़े पत्थरों से छोटे छोटे पत्थरों से होता क्या है कि हम जब रास्ते पर चलते हैं ऐसे तो मस्त मौला चलते हैं बड़ी तरीके से हम देखते नहीं कि क्या पत्थर है और छोटे छोटे पत्थर से हम टकराकर फटना गिर जाते हैं मैं वही बताना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन में कभी भी तुम ना बेटा बड़े बड़े कंसेप्ट से नहीं गिरने वाले हैं। हमेशा आपको जो गलती पैदा होती है जो कंफ्यूजन पैदा होता है वो छोटी छोटी मिस्टेक्स होता है कि ये मैं समझ नहीं पा रहा माइनस के नौ होगा या माइनस के आठ होगा मैं ये बताना चाहता हूं ठीक है तो ये बात जरा समझो ये बात समझ के छोटा सा पॉइंट है चलो क्लियर है सारी बातें अरे ये बता देखो इसको एक काम करते हैं तुम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते देखो ऐसे भी सकते हो के टू एसओ फोर के टू एसओ फोर फिर हम क्या करेंगे भैया इसको लिख देंगे यहां पे एल टू यहां पे एल टू एसओ फोर और यहां पे ट्वेंटी फोर एस टू ये भी हमारा फॉर्मूला सेम ही है सेम फॉर्मूला या तुम वही को, बात को बार बार रिपीट कर रहे हो बेटा मुझे पता है कि मुझे कैसे बताना है घबराओ मत मैं ना हमेशा एप्लीकेशन के ऊपर ना और मेरे जो बच्चे एप्लीकेशन पे एक्चुअली होता क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारा बहुत तरह के बच्चे हैं जो आते रहते हैं लेकिन एप्लीकेशन पे जो बच्चे आते हैं वो क्या है वो अपना मुझे भाई ही मानते हैं बड़ा भाई मानते हैं क्योंकि मैं उनको डांटता बाटता रहता हूँ तो मैं एप्लीकेशन वाले बच्चों से बोलता हूँ हमें पढ़ाने दो हम पढ़ाएंगे तुम्हें और दम से पढ़ाएंगे तुम्हारा सिलेबस कराएंगे तुम्हें प्रैक्टिस भी कराएंगे तो एक लाइन है मेरी बहुत फेमस लाइन है एप्लीकेशन वाले बच्चे से पूछिएगा यह मतलब बताना साथियों कि हमें क्या पढ़ाना है पढ़ाने दो बस एंड में बताना मजा आया कि नहीं आया यह मैटर करता है ठीक है चलो अब जरा यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ करंट कैरिंग ऑफ टू एम्पियर

मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है तो जो निकलने वाली हीट है जो निकलने वाली ऊष्मा है इसका फॉर्मूला बनेगा क्या फॉर्मूला बनेगा देखिए तो यहाँ पे बनने वाली जो हीट होती है साथियों इसका फॉर्मूला बनता है क्या फॉर्मूला बनता है आई स्क्र आर इंटू टी क्या बनता है आई स्क्र आर इंटू टी बनता है अब फॉर्मूला ये हमने बना दिया अब मुद्दा बनता भैया इसमें यहाँ पे चीजें होती क्या है देखिए तो H का मतलब यहाँ पे सीधे किससे हीट से होता है

आई स्क्यर का मान कितना दिया है आई कितना दिया आई दो एमपियर कितना है दो तो दो का स्क्वायर है आर की वैल्यू निकालनी है और समय कितना दिया भैया तो समय दिया देखिए टेन सेकंड का बोलो हाँ तो हम जब बात करेंगे अस्सी हो जाएगा ये देखिए भैया हमारा आर इन टू ये दो का स्क्वायर चार और ये हमारा चालीस क्लियर है काटोगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आएगी तो आर की वैल्यू दो ओम आई की सिंपल सी बात है लगा दो इसका आंसर तो इसका आंसर में टू ओम हो जाएगा तो आंसर टू ओम होगा कौन बच्चे इसका आंसर बी बोल रहा था नालायक बताओ जरा कितना सिंपल था क्वेश्चन है सब में छोटा सा पॉइंट बस आपको जो चीज यहाँ पे याद करनी है वो यही याद करनी है कि इस वाले क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बस इसे याद कर लेना कि, कि किसी भी कंडक्टर में यदि किसी भी समय के लिए करंट को फ्लो करते हैं तो हमें एक फैक्ट यहाँ पे याद करना वो ये है कि एच जो हीट होती है डेट इज आई स्क्वायर ये फॉर्मूला हमारा बनेगा बस इसको यहाँ पे देखो ठीक है चलो बताओ जल्दी से बेटा एक चीज मैं कहना चाहूंगा सुनो अभी अभी देखिए बच्चे लाइव चल रहे थे अभी और इसने बच्चे लाइव चलने के बाद भी बच्चे देखिए अभी यहाँ पे ना लाइक्स बहुत कम है तो कम से कम इतने लाइक तो होनी चाहिए तो जो बच्चे बेटा अभी पढ़ रहे हैं ना मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और आदेश देना चाहूंगा तुम्हें छोटे भाई बहनों को जल्दी से इसे फटाफट से इसे फटाफट से लाइक मार दो एक बच्चा है अयान चक्रवर्ती शायद मेरे, मेरे एप्लीकेशन का बच्चा एप्लीकेशन का बच्चा है अयान वही हो ना तुम बताओ जल्दी से क्या कमेंट कर रहा है पांच रुपए की पेप्सी हरीश भैया सेक्सी भैया बहुत बढ़िया बस नालायक को ये यह थोड़ा सा सुधर जाओ कम से कम बड़े भाई के बारे में ऐसा बोलते तुम लोग अब चलो लव यू लव यू लव यू लव यू, यू। देखिए भैया यहां पे सारी बातें क्लियर हो गई हैं चलो भैया आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए जल्दी से अच्छा क्वेश्चन है बताओ सबके सब, सब इसका आंसर क्या होने वाला है चलो बताओ जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू बी एस पर्ल एश इनमें से किसे देखिए साथियों मोती की राख कहते हैं क्या बोलते हैं मोती की राख बोलते हैं देखिए मोती की राख की बात करेंगे तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बाकी को क्या कहा जाता है तो बाकियों को समझते हैं और हमें इसका आंसर निकल आएगा ऑटोमेटिकली हमें नहीं पता इसका आंसर क्या है पहले हम बाकी समझते हैं बाकी क्या कहा जाता है बाकी को समझते देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर की पल एस किसे बोलते हैं छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत बहुत इजी क्वेश्चन में से एक है जल्दी बताओ सब, सब। बहुत अच्छा पूछा क्या सुनो एनओ टू सीओ थ्री की हम जब बात करते हैं ये बेटा हमारा सिंपल सिंपल सोडियम कार्बोनेट है क्या देखिए सोडियम कार्बोनेट सुनो ध्यान से तो इसको हम क्या कहते हैं तो इसको बेटा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है बेटा उसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं वॉशिंग सोडा क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा बोलते हैं तो वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला, धोने वाला वाला सोडा मतलब यहाँ पे कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है तो इसका फॉर्मूला बनता है एन डॉट यहाँ पे कितना पानी बनता है देखिये तो पानी बनता है टेन एच टू एन एच सीओ थ्री की बात करेंगे तो इसको देखिए साथियों कहा जाता है बेकिंग सोडा बेक मतलब गर्म करना तो इसको देखिए बेकिंग सोडा बोलते हैं और हिंदी में अगर मैं बात करूँ साथियों तो इसे बोलते हैं खाने का सोडा तो ये कौन सा सोडा यहाँ पे खाने का सोडा होता है देखिए तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे खाने में किया जाता है अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करता हूं देखिए तो ये हमारा क्या यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको हमने सिंपल सी भाषा में नाम दिया सी इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो होता है साथियों इसको बोलते हैं चूना पत्थर क्या बोलते हैं चूना पत्थर बोलते हैं आपने नाम सुनो ना लाइम के बारे में उसे चूना पत्थर बोलते हैं अब बचा हमारा क्या तो बचा हमारा देखिए बेटा पोटेशियम कार्बोनेट तो इसको हम सिंपल सी भाषा में एक नाम दिए हैं और इसको देखिए बच्चे बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट बोलते हैं अब ये जो पोटेशियम कार्बोनेट होता है ना इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें करते हैं राख में करते हैं जिसे बोलते हैं पर्ल एश तो इसको ही देखिए बेटा बोलते हैं मोती की राख क्या बोलते हैं मोती की राख बोलते हैं सुनो तो इसका इस्तेमाल देखिए किया जाता है चीजों को शुद्ध करने के लिए साफ करने के लिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यहाँ पे क्या है बच्चे तो आंसर हमारा क्या है तो सी होने वाला है सी इज द राइट आंसर चलो लॉजिकली है बोलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से देखिए बहुत प्यारा है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग क्या क्वेश्चन देखिए पूछा गया सुनो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए टू आर एन ए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अब डीएनए का आरएनए में जो परिवर्तन वह क्या कहलाता है अब आप जरा यहाँ पे समझिएगा छोटा सा पॉइंट देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देखिए हमारी कोशिकाओं के अंदर देखिए बहुत सारे यहाँ पे देखिए जो तत्व मिलते हैं तो इसमें जो डीएनए होता है साथियों वो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखे जाता है डीएनए मतलब आपकी एक वंश से दूसरे वंश के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है वो डीएनए के थ्रू जाती है आपको बताऊं छोटा सा पॉइंट बेटा टॉपिक वाइज क्लास मेरी सुबह चल रही है अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सुबह नौ बजे मेरी एक ट्रेन आती है जिसका नाम है हरीश एक्सप्रेस और उस हरीश एक्सप्रेस में बहुत ही शानदार कत तरीके से मैं टॉपिक वाइज क्लास को लेकर आता हूँ रात वाली क्लास बेटा हमारी सी टी एस है सी टी एस मतलब जानते क्या होता है कैश दी साइंस और मैं सारे की सारी बेटा जो क्लासेस लेके आ रहा हूँ ये एनसीआर टी बेस्ड लेके आ रहा हूं मतलब आपको हर एक चीज में एनसीआर टी का आधार बना के चलता हूं आप समझो बेटा मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे मतलब की ना हो सब तुम्हारे मतलब का है

वहीं पर आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए के अंदर भी यहाँ पे देखिए हम जब बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे क्या मिलता है तो चार तरह के नाइट्रोजन के बेस मिलते हैं कौन कौन से एडेनिन गुआनिन साइटोसिन लेकिन पे थायमिन मिलता है डीएनए में तो वहीं पर यहाँ पे मिलता है यूरेसिल तो पहला पॉइंट ये बनता है कि ये बताइए जल्दी से कि डीएनए में और आर में डिफरेंस क्या भैया तो डीएनए के अंदर बेसिकली यहाँ पे थायमिन पाया जाता है वहीं पे आर में मिलता है यूरेसिल पहले डिफरेंस तो ये है डीएनए की बात करते हैं तो यहां पर डबल हेलिक्स मॉडल मिलेगा देखिए दो दो सीढ़ियां हैं जो मिलने वाली हैं वहीं पर आरएनए के अंदर देखिए सिंगल हेलिक्स मॉडल है जो मिलने वाला है सबसे बड़ा जो डिफरेंस मिलता है वो ये है कि इसमें पाया जाने वाला जो शुगर है तो इसमें अब, अब जो मैं पॉइंट बताना चाहती हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे सुनो डीएनए से जब डीएनए बनाते हैं तो डीएनए से डीएनए बनाने को बोलते हैं रेप्लिकेशन क्या बोलते हैं प्रतिकृति जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन मतलब डीएनए था डीएनए से डीएनए बना दिया तो डीएनए से डीएनए बनाने क्या कहलाता है रेप्लीकेशन कहलाता है अगर मैं डीएनए से आर बनाता हूं तो डीएनए से आर बनाने को साथ ही कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन अब सोचो जरा आपने टेस्ट पढ़ाता था यहाँ पे आरटीपीसीआर जब कोविड हुआ था बहुत ज़्यादा तो उसमें टेस्ट चल रहा था कौन सा आरटीपीसीआर तो आरटीपीसीआर का मतलब क्या है जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आप जब यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो आरएनए से जब डीएनए बनाएंगे तो उसे उल्टा कर दो इस प्रोसेस को उल्टा कर दो आप जैसे इस प्रोसेस को उल्टा करोगे तो इसको देखिए बेटा क्या बोलते हैं मतलब हम लोग तो ट्रांसलेशन क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं तो ये चार चीजें हैं जो याद करनी है आपको एग्जामिनेशन में सीधी सीधे पूछेंगे देखिए ध्यान से पहला पॉइंट ये पूछते हैं जल्दी बताइए डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लीकेशन डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन हम जब बात करते हैं से तो RNA से एन एन डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हाँ है कि नहीं चमकी है चमकी मतलब माथे में तुम्हारे ब्रेन में गई कि नहीं गई और चली गई है ना तो एक बार जल्दी से बेटा सबके सब यहाँ पे लाइक ठोक दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने से पहले जल्दी से बताओ सबके सब <laughs> जल्दी बताओ बेटा सबके समझो कमेंट के अंदर कि मजा आया कि नहीं आया अच्छा सुनो कमेंट कर देना सबके सब क्योंकि क्यों कमेंट इसलिए कर देना क्योंकि तो मैं आपके कमेंट के थ्रू फिर आपकी सही बातों को समझ पाता हूं ठीक है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्या बात है मुझे पता नहीं था सच बता रहा हूं मुझे पता करना पड़ेगा कि मैं भी पढ़ा लेता हूं देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए देखिए जल्दी से होता है क्या चलो टू मच सिक्रेशन ऑफ दी फ्रॉम

ये इसे बोलते हैं जीएच एस टी एच को बेटा कहते हैं सोमेट्रोट्रॉपिक हार्मोन क्या बोलते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या इसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन वृद्धि हार्मोन देखिए अब इसके बढ़ने से या कम होने से बीमारियां हो जाती हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाए तो इससे हमारा शरीर देखिए साथियों क्या होता हो हो जाता है, हो जाता है है मतलब बहुत बड़ा अब आपको मैं बताना चाहता हूँ देखिए इस वाले पॉइंट को देखिए ध्यान से सुनो मान लो फॉर एग्जाम्पल की अगर हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे एस की वैल्यू बहुत कम हो जाए बहुत कम हो जाए तो जब इंसान के शरीर में एस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है तो इंसान का विकास ढंग से हो नहीं पाता और जब इंसान का विकास ढंग से हो नहीं पाता तो इंसान देखिए नाटा रह जाता बोना रह जाता है बोलते हैं बोनापन तो बोनापन कब होता है तो बोनापन बेटा होता है तब जब यहाँ पे एस टी की मात्रा ज्यादा होती है कम होती है तो जब यहाँ पे एस टी एच की मात्रा देखिए बेटा क्या होती है कम होती है क्या होती है, क्या होती है? कम होती है लॉजिकली है इसी तरह से क्रिटिनिज्म की बीमारी होती है तो क्रिटिनिज्म की जो बीमारी होती है किस था डिपेंड करती है देखिए थायराइड ग्लैंड डिपेंड करती है तो ये फैक्ट समझो और जब हमारे शरीर के अंदर सम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इससे इंसान का जो शरीर होता है ना वह ऐसा हो जाता है भीम का तो हो जाता है देखिए तो हम जब बात करेंगे तो इस वाली कंडीशन में इंसान का शरीर कैसा भीमका तो हो जाएगा आप ये समझिए ये मैं आपको बता रहा हूं छोटा सा पॉइंट है एक बच्चा बोला सर रिकॉर्डिंग क्लास है बहुत बढ़िया नालायक तुम को पता है, होता है क्या है मैं बताऊं छोटा सा पॉइंट को डिस्टर्ब करने का जो मजा है ना उसकी फीलिंग अलग होती है ड्राइवर को कभी उंगली नहीं किया करते जानते हैं कि आप जब यहां पे किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो ड्राइवर से छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए क्यों ड्राइवर का सो गया और ड्राइवर की सनक गई ना पूरी की पूरी गाड़ी पलट जाएगी बेटा तुम्हारी इस गाड़ी का ड्राइवर मैं ही हूं ठीक है और ये ट्रेन जो चलेगी बेटा हमारी शाम को सीटीएस वाली बजे नहीं हो सकती हुआ है तो जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है उसे काहे बोल रहे करने के लिए है ना तो बेटा समय नौ बजे नहीं हो पाएगा पहले बता रहा हूं बेटा क्लास चलती है साहिल सर की साहिल सर की बहुत ही शानदार क्लास होती है तो वो पॉसिबल नहीं है मैं बेटा रात के दस बजे फ्री हूं तो दस बजे फ्री हूं तो दस बजे आपकी क्लास लेके आ रहा हूं ये मत सोचो कि दस बजे रहे हैं आप ये भी सोचिए कि दस बजे भैया पढ़ाने भी आए हैं ये भी मैटर करता है ठीक है चलिए तो समय में आ गया यहाँ पे कि जब हमारे शरीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो एस की मात्रा बढ़ जाती है तो एस की मात्रा बढ़ने से यहां पे हमारे शरीर में भीम का तो हो जाता है मतलब हमारा शरीर बढ़ जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? सुनो क्वेश्चन ये बोल रहा है टू डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द वाटर बॉडी व्हाट इज मेजर किसी भी पानी के अंदर पानी की क्षमता कैसी है उसको कैसे मेजर करेंगे देखिए पानी अच्छा है खराब है इसको सही तरीके से मापने का एकमात्र तरीका है उसमें मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा और ऑक्सीजन की बेटा मात्रा को निकाला जाता है डिजॉल्वड ऑक्सीजन से और इसे निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसे बोलते हैं बीओडी क्या बोलते हैं बीओडी BOD का बड़ा मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या बोलते हैं और जिस पानी में देखिए ऑक्सीजन की मात्रा कम है वो पानी उतनी जल्दी खराब हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हमारा विलय ऑक्सीजन हो जाएगा लॉजिक समय आया छोटा सा पॉइंट बहुत इजी है तो यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो पानी शुद्ध है पानी अच्छा है ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो पानी खराब हो जाएगा ये भी जरा समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से बहुत प्यारा क्वेश्चन है बताओ जल्दी से सबके सब, सब। देखिए एक छोटे से खंड से एक छोटे से खंड से पूरे जीव को जन्म देने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव अ राइस टू होल ऑर्गेनिज्म स्मॉल फ्रेगमेंटेशन ऑफ बहुत बॉडी क्वेश्चन है जल्दी बताओ देखो. तो इस क्वेश्चन के अंदर आप कहेंगे तो साथियों मैं मैं इसके अंदर, इसके अंदर यहाँ पे प्रोसेस होता फ्रेगमेंटेशन का सुनो ध्यान से सुनो सुनो सुनो, सुनो। अगर मान लो फॉर ऑप्शन में सुनो 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 अगर मान लो ऑप्शन में पुनर्जन की अगर सुनो सुनो सुन लो सबके सब देखो अगर ऑप्शन के अंदर साथियों आती की जगह पे पुनर्जनन की जगह पे यहां पे ऑप्शन होता है किसका यहां पे खंडन का किसका खंडन का और खंडन को हम क्या बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं सुनो तो अगर ऑप्शन में ये दिया होता तो मैं पहले क्या बता रहा हूं सुनो ध्यान से अगर ऑप्शन होता तो आप आंसर लगाते क्या खंडन क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है ये वाला तो ऑप्शन नहीं दिया तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पूर्व पुनर्जन हो जाएगा मैं ये बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट ठीक है नहीं अब बच्चे बोलेंगे सर यहां पे बहुविखंडन हो जाएगा नहीं होगा बेटा बिल्कुल नहीं होगा सिंपल सी बात है सर बर्निंग हो जाएगा नहीं होगा बेटा मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा इससे ज्यादा तो नहीं समझ पाओगे इसके लिए तो मैं समझ नहीं पड़ेगा अब देखो ध्यान से डी नहीं है बेटा आंसर इसका मुकुलन आंसर हमेशा नहीं होता मुगलन आंसर नहीं होता है, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होगा आप शायद क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं पाए पढ़ नहीं पाए मैं समझाता हूं देखिए होता क्या है था एबिलिटी ऑफ दी पे देखो देखो आप जरा एक छोटा सा सुनो जैसे आपने कभी स्टारफिश देखी है स्टारफिश स्टारफिश देखो यहाँ पे स्टारफिश देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारे स्टारफिश है आपको मैं बना के दिखाता हूँ देखिए यहाँ पे देखो ये स्टारफिश नजर आई है ये हमारी देखिए भैया स्टार नजर आई दिखाई दी आपको स्टार ये देखो नजर आई जो यही पे लीकेज है देखो ये स्टार फिश है अब मान लो फॉर एग्जाम्पल की मैंने इसको यहाँ से अलग कर दिया जब मैं इसको अलग करूंगा ना तो मेरे पास में देखिए बच्चे दो नई स्टार फिश है जो पैदा होने वाली हैं इनको देखिए तो मेरे पास दो नई स्टार फिश है जो यहाँ पे पैदा हो जाएंगी तो यही जो प्रोसेस होती है इसी प्रोसेस की देखिए बात है जो यहाँ पे पूछी जा रही है इसी की यहाँ पे प्रोसेस की बात यहाँ पे पूछी जा रही है मैं यही बताना चाहता हूँ देखिए तो इस वाले क्वेश्चन में अगर ऑप्शन होता देखो धान से इस वाले क्वेश्चन में अगर मान लो कि ऑप्शन हमारा होता क्या ऑप्शन होता है अगर ऑप्शन होता साथियों यहाँ पे क्या हमारा खंडन फ्रेगमेंटेशन तो आंसर यही होता ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए ऑप्शन में क्या लगाने वाले देखिए हम लोग तो हम लगाने वाले हैं पुनर्जन जिसे बोलते हैं रीजनरेशन अब मैं एक एक करके आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ देखिए बहुत प्यारा है सुनो देखिए बेटा बड़िंग का मतलब क्या होता है मुकुलन होती कब है देखिये मुकुलन कब होती है मान लो भैया ये हमारा हाइड्रा है तो पहले एक गांठ है देखिए जो बढ़ेगी उसके बाद ये गांठ देखिए डेवलप होने वाली है जब ये गांठ पूरी बन जाएगी तब इसको देखिए क्या करते हैं अलग करते हैं सुनो ध्यान से अब ये बताओ क्या ये गांठ ऑलरेडी बहुत बड़ी थी पहले से अलग हो चुकी थी पहले से अलग नहीं हुई है ये बढ़ने के बाद अलग होती है समय आया छोटा सा पॉइंट तो हम जब बात करते हैं तो बड़िंग कब होती है तो बड़िंग के अंदर पहले चीज विकसित हो जाती है बाद में अलग होती है अलग करने के बाद उसे डेवलप नहीं कर सकते तो जब तक वो पूरा का पूरा बढ़ाना हो नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा तो ये कौन सा हमारा तो ये होती है बड़िंग तो बड़िंग तो बिल्कुल तो नहीं था तो हाइड्रा में देखिए इस प्रकार की कंडीशन बनती है दूसरा देखिए ये है खंडन जिसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया था अगर मान लो ये ऑप्शन में होता तो हमारा आंसर यही चलता मैं वही बताना चाहता हूँ ये ऑप्शन में था नहीं अब देखिए ध्यान से एक है ना जीव होता है जिसका नाम है प्लेनेरिया सुनो ध्यान से एक जीव जंतु मिलता है जिसका नाम है प्लेनेरिया ये यह यहाँ नहीं मिलता समुद्र में मिलता है अब आप प्लेनेरिया को ले लो और प्लेनेरिया को लेने के बाद उसके तीन हिस्से कर दो एक हिस्सा दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा इसके तीन हिस्से कर दिए आपको मैं बता दूं कि कुछ समय के बाद यहाँ पे तीन नए प्लेनेरिया हैं जो बनके तैयार हो जाएंगे मतलब इस वाले हिस्से ने इसको बना दिया बीच वाले हिस्से ने नया प्लेनेरिया बना दिया और सोचिए यहाँ पे तीसरे वाले हिस्से ने नया प्लेनेरिया बना दिया ये क्षमता हमारे इंसान में नहीं है अगर ऐसा होता तो मैं अपने आपको दो हिस्से करता आधा हरि सिधर आधा हरी सिधर और दो नए हरिश तिवारी बनकर तैयार हो जाते एक हरीश बंधक बन तिवारी बनता ऐसा नहीं है साहब तो मैं ये बताऊं कि हमारे पास में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है तो मैं ये दिखा था कि जो ये पूछा गया है कि एक छोटे से खंड से पूरा पूरा शरीर बना देना तो ये जो प्रोसेस है साथियों इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन अब क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया था तभी हम इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं तो इसका आंसर देखिए साथियों लगाने वाले हैं ये जिसे बोलते हैं रीजनरेशन रीजनरेशन तो री में होता क्या है कि आप यहाँ पे किसी हिस्से को दोबारा से बना देते हैं अब ऐसे मैं बताऊं छोटा सा पॉइंट छिपकली देखिए आप लोगों ने तो छिपकली की बात करते हैं साथियों तो छिपकली यहाँ पे पूछ छोड़ के भाग जाती है क्यों वो जानती है कि मैं दोबारा से अपनी पूछ को बना लूंगी अब ये बताओ वो पूछ बनाती है पूरा शरीर बनाती है तो बेटा वो पूछ बनाती है पूरा शरीर नहीं बनाती है। मैं वही बताना चाहता हूं कि ऑप्शन में नहीं दिया था तो आंसर हमने क्या लगा दिया पुनर्जन लगा दिया लेकिन इसका सही ऑप्शन जो होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बनाता पेपर तो मैं बनाता यहाँ पे क्या फ्रेगमेंटेशन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से चलिए बताइए जल्दी से बहुत प्यारा क्वेश्चन है देखो यहां से अच्छा क्वेश्चन है सीधे सीधे क्वेश्चन है मतलब वो वाला क्वेश्चन ना मुझे लगा या कि तगड़ा वाला क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था ठीक है चलो नेक्स्ट बताइए देखिए जल्दी से कि हम जब बात करते हैं पचहत्तर प्रतिशत ऑफ सत्रह क्लोरिन पैतीस और तो पच्चीस प्रतिशत ऑफ यहाँ पे सत्रह क्लोरीन सैंतीस इनको मिलाने पर कितना एवरेज वेट आने वाला है ये क्वेश्चन रट मारो पहले बता देखिए छोटा सा पॉइंट है आपको बताऊं देखिए कि आप यहाँ पे क्लोरीन के हमारे पास में दो आइसोटोप होते हैं सुनो हमारे क्लोरीन के पास में देखिए क्लोरीन के हमारे पास दो समस्थानिक होते हैं तो पहला होता है क्लोरीन का 35 और दूसरा होता है क्लोरीन का 37 आप इन दोनों क्लोरीन को जब मिलाओगे ना तो यहाँ पे बनता है हमारा क्लोरिन का एलिमेंट और जिसका एवरेज वेट होता है पैंतीस पॉइंट पैंतालीस तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा सही आंसर कितना दिया है बताओ जल्दी से पैंतीस पॉइंट पैंतालीस है तो पैंतीस पॉइंट पैतालीस मतलब लबल लबल लब साढ़े चार साढ़े पैतीस मान लो तो आंसर डी लगा दो डी इज राइट आंसर बोलो हाँ हाँ ये वाला क्वेश्चन बेटा आज मैंने मॉर्निंग में आज ही मैंने मॉर्निंग में कराया था आज ही कराया था मैंने मॉर्निंग में चलो एक क्वेश्चन और है मॉर्निंग वाला बताओ जल्दी से एक और क्वेश्चन है मॉर्निंग वाला वो भी देखते हैं देखिए यहां से बताइए जल्दी से क्वेश्चन क्या बोल रहा है द द द द एंजाइम एंजाइम रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड अरे भाई साहब देखिए फॉर डाइजेशन ऑफ फैट अब ये सुनो ध्यान से मैं आपको तीन बातें बता देता हूं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है इनको देखिए ध्यान से आपके शरीर में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं देखिए तो प्रोटीन किस में जाएगा तो प्रोटीन भैया जाता है किसमें देखिए हमारे पेप्टोन्स में किसमें पेप्टोन्स में पेप्टोन्स पेप के बाद ये किस में जाएगा तो लास्ट में यहाँ बेटा बनता है अमीनो अमीनो एसिड एसिड क्या बनता अमीनो बनता है है तो प्रोटीन के थ्रू बनता क्या है अमीनो एसिड है मैं फैट बता दूंगा टेंशन ना लो सुनो ध्यान से अब यहां पे प्रोटीन को पचाने के लिए ना तीन अंजाम मिलते हैं भैया कौन कौन से अंजाम मिलते हैं देखिए तो सबसे पहला देखिए बेटा मिलता है पैप्सिन क्या मिलता है पेप्सिन मिलता है दूसरा यहाँ पे मिलता है साथियों जिसका नाम है ट्रिप्सिन और तीसरा देखिए यहाँ पे मिलता है कौन सा एरपसिन कौन सा एरपसिन ये तीन एंजाम हमारे प्रोटीन के लिए हैं पेप्सिन की बात करते हैं तो ये मिलता है साथी हमारे अमाशय में अमाशय ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो ये मिलता है साथियों कहां पे देखिए अग्नियाशय में अग्नियाशय को क्या बोलते हैं साथियों पेंक्रिया बोलते हैं और एरप्सिन देखिए बेटा कहाँ पे मिलती है तो ये मिलती है हमारी छोटी आंत में छोटी आंत बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलती है स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये तो प्रोटीन की बात करते हैं लेकिन हम जब बात करेंगे वसा के बारे में तो वसा को पचाने का काम कौन करता है लाइपेज करता है तो ये भी आप जरा समझिएगा तो वसा का पाचन कौन करने वाला है तो वसा का पाचन भैया कौन करता है कौन करता है? करता है है आप देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए साथियों पे एंजाइम कौन कौन से है है माल्टे है, मिलते हैं प्रोटीन के लिए पेप्सिन है ट्रिप्सिन और यहाँ पे इरेप्सिन है और वैट के लिए देखिए बच्चे कौन सा लाइपेज कौन सा है लाइपेज है बताओ जल्दी से तो बेटा क्लास की टाइम बदल नहीं सकती पहले बता रहा हूं चलो आज का देखिए साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज मैं इतने ही क्वेश्चन लेके आऊ तो आप पहले जल्दी से ना सबके सब यार देखो एक चीज मैं कहना चाहूंगा सुनो बेटा इतनी शानदार क्लास चल रही है आप खुद ही सोचो कितना बढ़िया बढ़िया मैं कंटेंट बता रहा हूं यार तुम लोगों ने इसको भी तो सपोर्ट नहीं किया यार बिल्कुल भी सोचो यार मैं खुद नहीं समझ पाता क्या चाहते हो तुम लोग अब क्या तुम्हें मैं नाच के दिखाऊं बताओ जल्दी से इतने प्यारे प्यारे को करने के बावजूद भी तुम अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्लास को तो क्या करूं बाबू बताओ जरा मैं वही करूंगा तुम्हारे लिए जिसमें तुम स्वेच्छा से हो ठीक है देखो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्वेश्चन देखिए बोलता क्या सुनो यहाँ पे देखिए हमारे पास में देखिए के शल दी गई है एल दी गई है एम दी गई है अब के में कितने हैं जरा देखो ध्यान से तो के में देखिए भैया हमारे पास में दो है एल में देखिए कितने आठ है एम में कितने है? वन यहाँ पे टू और ये तीन देखो से तो के के अंदर कितने भैया देखिए दो है एल में कितने भैया तो आंसर है हमारे आठ है एम में कितने हैं तेरह तो टोटल देखिए यहां पे तेरह होंगे और जो तेरह परमाणु संख्या होती है वो किसकी होती है तो तेरह लिखी होती है बेटा किसकी यहाँ पे एल्यूमिनियम की तो आंसर देखिए एल्यूमिनियम लगा दीजिएगा तो इसका सही आंसर कि अल्यूमिनियम हो जाएगा और इसकी वैलेंसी की मैं बात करू तो इसकी वैलेंसी देखिए बेटा कितनी है एल्यूमिनियम प्लस थ्री कितनी है एल्यूमिनियम प्लस थ्री है आप उसको लगा सकते हैं तो इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में देखिए आंसर क्या पे एल्यूमिनियम हो जाएगा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन ये देखो अब इस पॉइंट को जरा देखो ध्यान से क्या बोल रहा है बहुत प्यारा कंसेप्ट है सुनो देखो इसमें बहुत प्यारा कंसेप्ट है सुनो बहुत प्यारा कंसेप्ट आने वाला है सुनो सबके सब आप इस क्वेश्चन को देखो भैया सुनो ध्यान से बहुत प्यारा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे मान लो कि माता पिता दिए गए हैं मम्मी पापा दी गई देखिये तो यहाँ पे दिए गए हमारे फादर और यहाँ पे देखिए साथ दी गई है मदर क्या दी गई यहाँ पे मदर दी गई है अब ये कह रहा है कि मम्मी पापा दोनों का जो ब्लड ग्रुप है ना भैया वो सेम है कितना है देखिए तो मम्... पापा का देखिए ब्लड ग्रुप है हमारा ए बी और मम्मी का भी जो ब्लड ग्रुप दिया है भैया कितना दिया देखिए ए बी दिया है कितना दिया ए बी दिया है

अब देखिए पेयर बनेंगे हमारे पेयर बनेंगे तो ए का ए से क्या बनेगा हमारा ए ए ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए ए का बी से क्या बनेगा ये बनेगा हमारा ए बी क्या बनेगा ए बी अगर बी का ए से बना बनेगा भैया हमारा बी ए बनेगा और लास्ट में क्या से बी क्या बनेगा भैया हमारा बी बी बनेगा अब बच्चे के अंदर आने वाला जो ब्लड ग्रुप होगा भैया सुनो ध्यान से वो क्या होगा या तो ए होगा क्योंकि ए ए ए बनाएगा या तो हमारा देखिए ए बी होगा या फिर हमारे देखिए बी होगा तो बच्चे के अंदर आने वाला जो ब्लड ग्रुप है साथियों या तो वो ए होगा कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता तो भैया ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ नहीं हो सकता सुनो ध्यान से तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता बताओ जल्दी से तो बच्चे में या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता साथियों तो बच्चे के अंदर हम जब बात करते हैं तो बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा सॉरी ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा अब मान लो भैया कि मम्मी पापा दोनों के दोनों ए बी ए बी है और उसमें किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर बी हो, ओ हो जाए तो समस्या है तो गंभीर समस्या है क्योंकि की फिजिक्स अकॉर्डिंग सॉरी फिजिक्स बोलो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो ये बायोलॉजी के अकॉर्डिंग तो आंसर हमारा नहीं आना चाहिए तो कुछ तो गड़बड़ है तो मैं मैं जो कह रहा हूं तो ये मैंने छोटा सा कंसेप्ट है समझा दिया आप इस तरीके से इसको यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है ठीके? चलो तो मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया हुआ है इसको जो बच्चे फंडामेंटल पढ़ना चाहते हैं वो हमारी एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं देखो मैं बस ये कहना चाहती यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इससे बेहतर कोई क्लास नहीं है फंडामेंटल पढ़ना चाहती है तो हमारी एप्लीकेशन से बेहतर कोई एप्लीकेशन नहीं है आप एप्लीकेशन पे जाइए आपको बेस्ट ऑफर्स हैं जो एप्लीकेशन में मिलने वाले हैं तो जाइए डाउनलोड कीजिए और भैया बैच में ज्वाइन करने के बाद आराम से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है तो ये था हमारा आज का प्यारा सा सेशन उम्मीद करता हूँ आपको चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा तो बस ये क्या रहा हूँ साथी पढ़ते रहिए ठीक है थीके? और इस तरह से ही मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूंगा इस संडे मैं बहुत ही शानदार मैराथन क्लास ले रहा हूँ आपकी

खत्म होने से पहले एक हजार लाइक चाहिए चाहिए और तुम्हारे सारे के सारे प्यारे से कमेंट भी चाहिए ठीक है चलो तो मिलते हैं हम लोग कल रात की इसी तरह की बहुत ही शानदार क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे